हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज फैशन विद चेतना और आज का वीडियो जो है कुछ इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को होली इवेंट के लिए कुछ आउटफिट बताने जा रही हूँ। एक्चुअली वैसे तो हम होली जो है अपने ओल्ड क्लोथ में ही खेल लेते हैं, जो भी हमारे पास पुराने कपड़े होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि होली के इवेंट भी होते हैं, जैसे रंग बरसो या बरसो रहे, इस टाइप के इवेंट जो है हर सिटी में होने लग गए हैं। तो बेसिकली हम जब उस इवेंट में जाते हैं तो हमें कुछ आउटफिट चाहिए होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि हम वो आउटफिट खरीद कर लाते, बट हमारे पास व्हाइट कलर का कुर्ता या कोई भी जीन्स, इस तरह के क्लोथ जो भी हमारे पास ओल्ड क्लोथ जो होते हैं रखे हुए होते हैं, हम उनको स्टाइल करके जो है होली इवेंट के लिए ड्रेस रेडी कर सकते हैं। सो गाइज, वीडियो में जाने से पहले मैं आप लोगों को विश करना चाहती हूँ हैप्पी होली। आप लोगों की होली अलग अलग रंगों की तरह, अलग अलग खुशियों की तरह आए और आपकी होली जो है काफ़ी अच्छी जाए और होली के बाद जो भी दिन आए वो भी अच्छे जाए। सो गाइज, मेरे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं यहाँ पे किस टाइप के आउटफिट जो है आप लोगों के लिए स्टाइल करके आई हूँ, बताने जा रही हूँ। मेरी फर्स्ट लुक के अंदर मैंने नॉर्मल वाइट कलर का चिकनकारी कुर्ता और वाइट लेगिंग पहनी है और ये कुर्ता अप्रॉक्स 300-400 आपको भी मार्केट में मिल जाता है और अप्रॉक्स सबके पास होता ही है। तो इस ड्रेस के साथ मैंने फुलकारी दुपट्टा लगाया है और आप चाहें तो लहरिया या किसी भी टाइप का दुपट्टा जो है लगा सकते हैं और अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हैं। अगेन, मैंने फुलकारी दुपट्टे को इस तरीके से लगाया है सेम ड्रेस के ऊपर, तो ये डांस करने में बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस रहती है अगर आप किसी होली इवेंट के लिए जा रहे हो तो। नेक्स्ट, मैंने अपने लुक में जीन्स और सेम कुर्ते को वियर किया है और यहाँ पे मैंने बांधनी का दुपट्टा लिया है जो कि मल्टी कलर का है। आप इसी तरीके से कोई भी दुपट्टा जो है नेक में इस तरीके से लगा सकते हैं, तो ये भी एक एलिगेंट लुक देगा आपके इवेंट के लिए। तो इस तरह के कपड़े जो हैं काफ़ी कम्फर्टेबल रहते हैं डांस करने के लिए और अच्छे से इवेंट भी अटेंड हो जाता है। सेम यहाँ पे भी मैंने फुलकारी दुपट्टे को लगाया है। नेक्स्ट लुक में मैंने जीन्स के ऊपर जो है एक कुर्ता वियर किया है, सेम कुर्ता जो कि मैंने लास्ट टू ड्रेस पर वियर किया था और फ्लैट्स पहन के अपने लुक को कंप्लीट किया है। इसके बाद में नेक्स्ट वाले लुक में मैंने सेम कुर्ते के नीचे जो है पर्पल कलर की पटियाला पहनी है। आप चाहें तो किसी भी कलर की पटियाला जो है इसके नीचे पहन सकते हैं, बहुत अच्छा लुक लगेगा, बहुत ही कंफर्टेबल ड्रेस हो जाएगी आपके लिए। लास्ट वाले लुक में मैंने नॉर्मल जीन्स और एक टैंक टॉप और वाइट शर्ट वियर करी है। आप चाहे तो व्हाइट क्लोथ पहन सकते हैं, अगर आपको पसंद नहीं है तो कोई भी नॉर्मल टी शर्ट भी आप वियर कर सकते हैं। आई होप गाइज, आप लोगों को मेरा ये आउटफिट आइडिया का जो वीडियो था काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, जिसकी आईडी नीचे दी गई है। और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मेल करके पूछ सकते हो। थैंक यू गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।